नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर भी अब हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सोमवार सुबह ध्वजारोहण के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगे को सलामी दी और पुलिस के जवानों ने इस अवसर पर ध्वजारोहण की धुन बजाई। ध्वजारोहण का यह कार्य हरियाणा राजभवन की तर्ज पर शुरू किया गया है। सायंकाल के समय नित्य ध्वजावतरण किया जाएगा। राजभवन में रोजाना ध्वजारोहण किया जाता है। अब रोजाना CM आवास पर भी ध्वजारोहण का फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने गांव गंगवा में बिजली निगम के सब डिवीजन कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इसकी सूचना मिलने पर आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम में खलल डालने के लिए आंदोलनकारी योजना बनाने में जुट गए। बताया जाता है कि आंदोलनकारी कार्यक्रम में खलल डालते इससे पहले ही बिजली निगम कार्यालय का उद्घाटन डिप्टी स्पीकर के हाथों करवा दिया गया। इसके बाद पहुंचे आंदोलनकारियों ने वहां पहुंचकर कार्यालय में गंगाजल का छिड़काव किया और कहा कि अब ये शुद्ध हो गया है। अंबाला में विरोध, किसानों ने रेत की तरह ढहाए पुलिस के बंदोबस्त, शिक्षा मंत्री को रद्द करनी पड़ी मीटिंग। पुलिस के तमाम बैरिकेड तोड़कर किसान अंबाला पंचायत भवन तक पहुंच गए। इसी वजह से जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग रद्द करनी पड़ी। DC विक्रम सिंह को शिक्षा मंत्री कंवरपाल की गैर हाजिरी में शिकायतें सुननी पड़ी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर खुद समिति की मीटिंग में आने वाले थे। इस दौरान पुलिस व किसानों के बीच झड़प भी हुई। कई किसानों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। किसानों के विरोध की वजह से पुलिस को शहर की कई मुख्य सड़कें बंद करनी पड़ी। इसी वजह से दिनभर राहगीर सड़कों पर लगे जाम में फंसे रहे। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति करते हुए सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री समेत सांसदों, राज्यसभा सांसदों और प्रदेश के मंत्रियों समेत 28 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया है। 6 नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जगह दी गई है। वही कार्यकारिणी सदस्य में 38 नेताओं जिनमें पूर्व मंत्री मौजूदा विधायकों समेत अन्य नेताओं को जगह दी गई है। भिवानी के गांव गोविंदपुरा में ग्रामीणों ने 300 साल पुरानी एक ऐसी प्रथा को तोड़कर भाईचारे का संदेश दिया है जिससे पूरे गांव में खुशियां लौट आई है। गांव गोविंदपुरा में राजपूत व अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं तथा इस गांव में अनुसूचित के लोगों को शादी में घोड़ी पर निकाह से निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस बार गांव में बनी पंचायत ने अनोखा कार्य करते हुए इस प्रथा को खत्म करने का फैसला लिया, जिसके बाद गांव में विजय कुमार की शादी धूमधाम से मनाई गई तथा शादी में घोड़ी पर निकाह से भी निकाली गई तथा DJ बजाकर खूब जश्न भी मनाया। यहां आपको बताते चले कि गोविंदपुरा गांव करीब 300 वर्ष पुराना बसा हुआ है। गांव में राजपूत व अनुसूचित जाति के लोग ही रहते हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों ने भी राजपूत समाज के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि उनके समाज का आज पहला ऐसा विवाह है जिसमें घोड़ी पर निकासी निकाली गई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए ये एक ऐतिहासिक पल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में सोमवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी CM ने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 18 फीट की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि इस प्रतिमा में 300 टन मेटल का प्रयोग हुआ है और प्रतिमा को 2 कारीगरों ने 1.5 माह में तैयार कर अपनी कला को दर्शाया है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर पुरातत्व विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। हरियाणा कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर भले ही फिलहाल CM मनोहर लाल खट्टर ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार होना तय है। इसके लिए पार्टी बिना कोई बखेड़ा खड़े किए सर्वसम्मति से कैबिनेट विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। पंजाब एवं UP में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है और इसी के चलते भाजपा हाईकमान की सोच है कि चुनाव पूर्व हरियाणा में कोई विवाद खड़ा न हो। जिस प्रकार इस समय महाराष्ट्र राजस्थान सरकार में अस्थिरता व्याप्त है, उस प्रकार की स्थिति भाजपा हरियाणा में कतई नहीं चाहती है। इसी के चलते वह एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार में लाल बत्ती की आस लगाए MLA लगातार प्रयासरत हैं और अभी भी आकाओं के यहाँ चक्कर लगाकर उन्हें प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक के बाद एक सरकारी भर्तियां रद्द करने के फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा है कि PGT संस्कृत और TGT इंग्लिश समेत कई भर्तियों को रद्द करने के बाद अब सरकार ने जूनियर सिस्टम असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती भी रद्द कर दी है। भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन देकर बताया कि सरकार ने किस तरह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 146 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सरकार कह रही है कि महकमे को जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हार्टून के जरिए कच्चे कर्मचारी रख लेंगे। सरकार की कारगुजारी का खामियाजा पढ़े लिखे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार का काम भर्तियां करना है, न कि उन्हें रद्द करना।
राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के समय के सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म बदलने की तैयारी में है। जल्दी 80 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों की ड्रेस बदली जाएगी। इस बार सरकार सभी सरकारी स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। अभी यूनिफॉर्म में कत्थई रंग की पैंट और भूरे रंग की शर्ट है, इसका रंग अब बदला जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि स्कूल ड्रेस का रंग बदल सकता है, लेकिन नई स्कूल ड्रेस का रंग क्या होगा ये कमेटी तय करेगी। सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त ड्रेस दी जाएगी। इसके लिए हम DBT के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसा डालें या ड्रेस उपलब्ध करवाएं, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने सोमवार शाम को एक पूर्वानुमान जताया है। इसके मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा व धौलपुर जिले से गुजर रही है। ऐसे में अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की गति थोड़ा धीमी पड़ने की संभावना है। वहीं सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में गर्मी पड़ी। प्रदेश में श्रीगंगानगर जिला सबसे गर्म रहा, यहां का तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले व आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं साथ ही आकाश से बिजली के साथ करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को इसका गठन किया है। कमेटी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुल बेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, NHRC के डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन, NHRC के DIG इन्वेस्टिगेशन मंजिल सैनी और पश्चिम बंगाल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी राजू मुखर्जी शामिल हैं। यह कमेटी मानवाधिकार आयोग को अब तक मिली और आगे भी मिलने वाली शिकायतों की जांच करेगी, साथ ही उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भी पॉइंट आउट करेगी जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी थे या जिन्होंने इन पर चुप्पी साधे रखी। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। यह यात्रा 28 जून से लेकर 22 अगस्त तक चलनी थी। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीख तय की थी। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे। इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोरोना की वजह से 2020 में भी इस यात्रा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। इस कारण कई श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सके थे। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM उत्तर प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के 2800 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 30 जून से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार किया जाएगा।